उत्तर प्रदेश के मेरठ का फुटबॉल इन दिनों काफी चर्चित हो रहा है। दरअसल मेरठ के गांव ने मिसाल पेश की है। इस गांव में कोई बेरोजगार नहीं है। हम बात कर रहे हैं मेरठ के सिसौला बुजुर्ग गांव की। इस गांव के करीब 3000 परिवार जीविका के लिए फुटबॉल की सिलाई करते हैं। यहां पर हर साल कुल मिलाकर 11 लाख गेंदें बनती हैं। भले ही पश्चिमी यूपी के इस गांव के पास ना तो फुटबॉल का मैदान है, ना ही यहां से अब तक कोई महान खिलाड़ी निकला है, लेकिन पिछले कुछ सालों में सिसौला बुजुर्ग फुटबॉल के खेल में जाना माना नाम बन चुका है। आपको बता दें, ये कहानी है मेरठ से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर सिसौला कला गांव की। सिसौला बुजुर्ग में हर साल लाखों फुटबॉल बनते हैं। करीब 3 दशक पहले फुटबॉल बनाने की शुरुआत की गई थी। मेरठ में खेल का सामान बनाने का निर्माण करने वाली इकाई में काम करने वाले एक युवक हरि प्रकाश कुछ कच्चा माल घर पर लाया, साथियों को प्रेरित किया कि गांव में भी फुटबॉल का निर्माण किया जा सकता है। शौकिया तौर पर फुटबॉल बनाने का काम कुछ लोगों ने शुरू किया। उस समय उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने एक गरीब बस्ती में विकास की नींव रखी है। शौकिया तौर पर शुरू किया गया काम में लोगों को मजा आने लगा, ऑर्डर दिए जाने लगे, बाजार मिलने लगा, फिर फुटबॉल बनाने का जो सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक चल रहा है। कम से कम 30-40 साल से ऊपर होगी, 40-45 तनवन का कोई पता नहीं, 40-45 साल होगी। शुरुआत तो ये था कि 5-7 आदमी थे, हम सबने काम सीखा था मेरठ से आकर। फिर जो पहले चमड़ी की बनी थी गोल, जो कतरन लिगड़ा ना, कतरन लेकर खरीद के इनसे चालू करा था मतलब। फिर ये बनाई, फिर बेचनी शुरू करी नहीं लाके, वैसे ही धीरे धीरे काम बढ़ते चला गया थोड़ा थोड़ा करते हुए। अब तकरीबन गांव में कितने लोग काम में जुड़े हुए हैं? अब तो पूरा गांव काम कर रहा है। तकरीबन कितने कितनी आबादी है? आबादी तो है 8-7 हजार की। सभी लोग आप 8-7 की कहाँ, हाँ जितनी आबादी हो रही 8-1 हजार की हो रही आबादी। बताते जब नंदिनी से बात की तो उसने बताया कि मैं स्कूल से आने के बाद फुटबॉल बनाती हूँ और जो पैसे आते हैं वो माँ को दे देती हूँ, जिससे घर का खर्च चले और स्कूल की फीस दी जा सके। स्कूल से आने के बाद नंदिनी फुटबॉल बनाती है। अगर रोज की बात करें तो 3 से 4 फुटबॉल नंदिनी बना लेती है और इससे जो पैसे आते हैं वो अपनी माँ को राशन के लिए और अपनी फीस की पढ़ाई के लिए दे देती है। अपना खर्च स्वयं उठाती है, स्कूल की फीस हो या उसके अपने शौक, सभी फुटबॉल बनाकर पूरे करती है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? फोर्थ में। क्या बना रहे हैं ये? फुटबॉल। एक दिन में कितनी बॉल बना देते हैं? स्कूल जाते हैं आके एक बॉल बना लेते हैं। एक बॉल बना लेते हो और पैसे को क्या करते हो? जो मिलते हैं मम्मी को देते हैं। मम्मी को देते हैं। तो कैसा लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ काम भी हो रहा है? अच्छा लगता है। वहीं दयावती बताती हैं कि ये गांव सिसौला है और इस गांव के लोग गांव से बाहर जाकर काम नहीं करते हैं, बल्कि घर में ही फुटबॉल बनाकर अपनी जीविका जी रहे हैं। इनकी शादी आज से 20 साल पहले हुई थी और तब से ही ये फुटबॉल बनाने का काम कर रही हैं। कब से बना रहे हैं आप? तो 15-20 साल, मतलब जब से आए बना रहे हैं, मतलब 30 साल हो गए इस गाँव में आए, शादी हुए को जब से गेंद बन रही है। तो जब से शादी हुई है तब से लगातार ही काम? हाँ, एक साल दो साल, एक दो साल ना कराने करी रहे जब से। एक दिन में कितनी बॉल तैयार कर ली? एक दिन में 4 भी बन जा, 5 भी बना लें, उससे कम भी बन जा। गेंदों का ऐसा घर का तीन ही बन पाया, जो घर में काम निमटा का बना तो 4 बना ही ले। यही नहीं, ना जाने ऐसी कितनी महिलाएं इस काम में लगी हैं। अगर फुटबॉल बनाने की संख्या की बात करें तो 4 से 5 बॉल प्रतिदिन बनाई जाती हैं। हमारे घर में बच्चे हो या बड़े, सभी लोग फुटबॉल बनाते हैं। वहीं सुमन बताती हैं कि वो फुटबॉल बनाने का काम लगभग 17 साल से कर रही हैं। एक दिन में वो 4 बॉल बना देती हैं। वहीं हरि प्रकाश बताते हैं कि उन्होंने आज से लगभग 40 साल पहले मेरठ जाकर फुटबॉल बनाने सीखा। उस समय फुटबॉल चमड़े की बनती थी। उस चमड़े की कतरन से मैंने फुटबॉल बनाने का काम शुरू किया और आज लगभग 5000 से अधिक परिवारों को मैं फुटबॉल बनाने का काम देता हूँ। सभी प्रकार की फुटबॉल हमारे यहाँ बनती हैं।
इस खबर में फिलहाल इतना ही, बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।